मौजूदा सांसद जनार्दन मिश्रा के सामने जनता की नजर में कैसा है चुनावी माहौल? किस ओर जाया जाए, किस ओर ना जाया जाए, कोई अच्छा नेता तो है नहीं सामने, न ही किसी भी प्रकार से आर्थिक या वैकल्पिक व्यवस्था बनाई गई है। एकमात्र कम्युनिस्ट पार्टी के विधायक राम लखन शर्मा जी भी हुआ करते थे। यहाँ पर कुछ कार्य नहीं किया गया, विद्यालयों के लिए कोई भी तो व्यवस्था नहीं है, सब टूटा फूटा विद्यालय है, कुछ भी एक ऐसा भी है कोई व्यवस्था नहीं, जो आगे कोई नेता ही नहीं है। पर तो प्राथमिक कार्य है कि शौचालय और जल, यहाँ पर शौचालय की एक भी व्यवस्था नहीं है, पिछले 10 सालों में कभी देखा नहीं गया। आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज, ये न्यूज चैनल नहीं आपकी आवाज है, आवाज ऐसी जिसे ना कोई दबा सकता है ना झुका सकता है, हम करते हैं सबको खबरदार। नमस्कार, मैं हूं अनुपम अनूप, आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। इस वक्त हम मौजूद हैं रीवा लोकसभा क्षेत्र में, और रीवा लोकसभा क्षेत्र में इस बार मौजूदा सांसद जनार्दन मिश्रा के सामने कांग्रेस की तरफ से नीलम अभय मिश्रा चुनावी मैदान में है। चुनावी मैदान में किस तरीके से कैसे किसे संघर्ष करना पड़ रहा है, और साथ ही साथ किसकी स्थिति इस बार मजबूत दिखाई देती है और कौन कमजोर आका जा रहा है, जनता की नजर में कैसा है चुनावी माहौल, कई सारे मुद्दों की, जनता के मुद्दों की चर्चा हम यहां पर करने वाले हैं। सबसे पहले तो स्वागत है आप सभी का द खबरदार न्यूज पर, और जानना चाहेंगे कि इस बार रीवा का जो चुनावी रण है वो किस तरीके से दिखाई देता है। अभी तो प्रियाल कुछ समझ में नहीं आ रहा है चुनावी माहौल, बस लोगों को यह पता हो गया है कि हाँ चुनाव में सीटें मिल चुकी हैं, लेकिन अभी कोई यहाँ विशेष नहीं समझ में आ रहा है कि किस ओर जाया जाए, किस ओर ना जाया जाए। दो बार से यहाँ बीजेपी के सांसद जनार्दन मिश्रा जी चुने जा रहे हैं, इस बार तीसरी बार भी चुनावी मैदान में हैं, तो इस बार उनकी स्थिति कैसी दिखाई देती है? स्थिति तो वैसे ठीक ही है, अब उनके अलावा जाएंगे कहाँ, कोई अच्छा नेता तो है नहीं सामने बीजेपी के अलावा, तो जाएंगे कहाँ, उन्हीं को वोट देना पड़ेगा मजबूरन। तो ये वोट मजबूरी में दे रहे लोग, तो क्या अब मजबूरन, जो आगे कोई नेता ही नहीं है तो मजबूरन किसी को देना पड़ेगा, तो वही है ठीक है भैया उसी को दे दें, खाली जाने से तो अच्छा है। और अगर हम शासन की बात करते हैं तो केंद्र की मोदी सरकार का कामकाज यहां के लिए कैसा रहा है? कामकाज चलिए ठीक ही है, कामकाज जो चल रहा है वो ठीक है, पर हो गया क्या बताएं, बेरोजगारी तो है। जिस जगह पर हम लोग खड़े हुए हैं यहाँ के लिए मोदी सरकार या फिर जो यहाँ के मौजूदा सांसद जनार्दन मिश्रा जी के द्वारा अगर कोई महत्वपूर्ण जो कार्य किया गया है तो उस बारे में हम तो ऐसा तो कुछ नहीं किया गया है। यहाँ पर माननीय जनार्दन मिश्रा जी को पिछले 10 सालों में कभी देखा नहीं गया, वो कभी इस क्षेत्र में इस गली नहीं निकले हैं, और मोदी जी के नाम पे वोट देंगे पर जनार्दन मिश्रा को यहाँ लगभग 99% कोई पहचानता नहीं है कौन है, उनके द्वारा किसी भी प्रकार का ना कोई सांसद निधि द्वारा मदद किया गया है, ना ही किसी भी प्रकार से आर्थिक या वैकल्पिक व्यवस्था बनाई गई है, खुद राउंड जीरो है, बीजेपी के सिंबल से चुनाव लड़ रहे हैं, जीत सकते हैं बस यही है। उमरी मोड़ की जिस जगह पर हम यहाँ पर खड़े हुए हैं, ये एक छोटा सा मार्केट है, एक कस्बे का मार्केट है, यहाँ पर खंभे लगे हुए हैं, लाइटें लगी हुई हैं, लेकिन लाइट जली नहीं रही है जैसा कि हम अभी देख रहे हैं, तो कब से ये लाइट बनी? ये हमारे उमरी मोड़ की विशेष तौर पर समस्या है, यहाँ पर लगभग काफ़ी व्यापक क्षेत्र है और काफ़ी व्यापक क्षेत्र से लोग जुड़े हुए हैं, यहाँ पर शौचालय की एक भी व्यवस्था नहीं है, अगर कोई मतलब ही या सी कोई भी आए इनको आउटडोर में जाना पड़ता है, और जिनको मालूम नहीं है, है ना सांसद जी आएँ देखें यहाँ की समस्या का समाधान करें, अगर लाइट गोल हो गई किसी, मान लीजिए मौसम खराब हो गया, कुछ भी तकनीकी समस्या आ गई, तो भरे चौराहे में प्रकाश की व्यवस्था हमारे शासन की तरफ से नगर कुछ भी एक ऐसा भी है, कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर हम अपने दर्शकों को विशेष तौर पर बताना चाहेंगे कि जिस जगह पर हम खड़े हैं यहीं से पूर्व सांसद चंद्रमण त्रिपाठी जी हुआ करते थे, और यहीं से सिरमौर विधानसभा क्षेत्र से प्रदेश के एकमात्र कम्युनिस्ट पार्टी के विधायक राम लखन शर्मा जी भी हुआ करते थे, साथ ही साथ यहाँ पर यमुना प्रसाद शास्त्री जी जो पूर्व यहाँ के एक जनप्रिय नेता माने जाते हैं, तो वह भी इनका यहाँ से गहरा नाता रहा है, और सीता सरन शर्मा जी का भी यहाँ से गहरा नाता रहा है। तो राजनैतिक गलियारे के तौर पर अगर हम बात करते हैं, राजनैतिक बिसात यहाँ की एक बड़ी बिसात रही, बड़ा एक इतिहास रहा है, लेकिन यहाँ पर राजनैतिक इतिहास रहने के बावजूद क्या विशेष कार्य किया गया कि जिससे इसकी एक अलग पहचान बन सके? यहाँ पर कुछ कार्य नहीं किया गया, ये समूचे पिछले भारत देश जब से आज़ाद हुआ
सबसे पिछड़ाका यही है। यहाँ पे अभी भी बिजली, पानी और रोड की व्यवस्था से आम ग्रामीण जूझ रहे हैं, किसी भी प्रकार की कोई व्यवस्थाएं नहीं है। और विद्यालयों के लिए यहाँ पर क्या व्यवस्थाएं हैं? विद्यालयों के लिए कोई भी तो व्यवस्था नहीं है, सब टूटा फूटा विद्यालय है। लड़के जाते हैं तो रोते हैं, गाते भागते हैं, समय तक तो पढ़ नहीं पाते हैं, तब इसके बारे में क्या क्या बताएं। क्षेत्र में पलायन की एक प्रमुख व्यवस्था यहाँ पर दिखाई देती, पलायन एक प्रमुख समस्या के तौर पर नजर आती है जब हम क्षेत्र में भ्रमण करते हैं, तो यहाँ पर ऐसी कौन सी औद्योगिक गतिविधियों का संचालन किया जा सकता है जिसके माध्यम से लोगों को यहाँ पर स्थानीय स्तर पर रोजगार मुहैया करवाया जा सकता है? आप एक युवा हैं और युवा के तौर पर हम आपसे जानना चाहते हम चाहते हैं हमारी सरकार की तरफ से ऐसी कोई योजना लाई जाए जिसमें अधिक से अधिक संख्या में लोग कार्यरत रहें। ठीक है, शासन प्रशासन की तरफ से मदद मिल रही है, जो कुछ भी राशन पानी दिया जा रहा है वो सब अच्छी बात है, लेकिन हमारे यहाँ भरे उमरी मोड़ चौराहे में यह एक आगे आने वाले समय के लिए विशाल स्थान है। तो यहाँ पर तो प्राथमिक कार्य है कि शौचालय और जल और लाइट की तो व्यवस्था कर ही दी जाए, बाकी तो ठीक ठीक ही है, क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं इधर जो डभौरा, चाक घाट, इलाहाबाद से तक लोग आते हैं, इधर बैकुंठपुर, बदरावपुरा जुड़ा हुआ है, लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी प्राथमिक समस्या है कि शौचालय। एक लघु शौचालय स्थापित करा दिया जाए, ही और सी के लिए, दोनों के लिए स्थापित करा दिया जाए, तो शायद यहाँ पर जो व्यापारी मंडल हैं उनके लिए भी सुविधा हो जाएगी, क्योंकि वो तो दिन भर ही रहते हैं यहीं पर, है ना। ठीक है, हम लोगों के साथ साथ में हमारी फैमिली भी आती है, अन्य लोगों की भी फैमिली आती है, उनके लिए भी इन समस्याओं से लड़ना पड़ता है। अब भाई यहाँ तो मार्केट है, कोई बस से उतरा, उसको अगर अचानक से टॉयलेट आया है तो वो अपने ऊपर ही कर ले या रोड में कर दे, कोई ऐसी व्यवस्था यहाँ पर नहीं है। उसके बाद पेयजल की व्यवस्था देखी जाए तो वो भी नहीं है, भीषण गर्मी पड़ रही है, लू बहने लगी है, लेकिन वो भी नहीं। और हमारे इस क्षेत्र में पलायन के लिए बिहार से तक लोग आते हैं, पलायन की ये बहुत बड़ी, मतलब यहाँ पर आवारा जानवर भी यहाँ रोडों में देखा जाता है, हमारे इस चौराहे में देखा जाए। तो ये थे रीवा लोकसभा क्षेत्र से जुड़े हुए कुछ लोग जिन्होंने अपने मुद्दों की बात की, जिन्होंने अपने यहाँ की समस्याओं और उनके समाधानों को लेकर के चर्चा की। उम्मीद करते हैं ये चर्चा आपको पसंद आएगी। बने रहें द खबरदार न्यूज के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।